विपक्षियों को चुनाव के रिजल्ट अपने आप में उनकी इस बात का जवाब दे देंगे। बरसात के महीने होते हैं, क्या आप खुद बताइए क्या उनमें चुनाव संभव था? वो अब चुनाव जल्द होने की संभावना है और चुनाव जल्द निकाय चुनाव की तारीखें लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है कि सरकार जो है भाजपा की सरकार डर रही है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं करवा रही है। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली जी, उनसे जानेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है, क्या भाजपा में डर रही है? नहीं, चुनाव तो देखिए डरने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, और चुनाव देश भर में होते चले जा रहे हैं। जब देश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीत रही है, तो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर किस तरीके का डर? पहली बात तो ये है, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर रूप में कार्य कर रही है, तो डर का कोई सवाल नहीं होता। रही चुनाव के डिले होते तो स्थिति वश, जैसे अगर देखें कि जब पहली बार प्रशासकों की नियुक्ति हुई थी समय नाम सर्वे वोटर लिस्ट बन रही थी, और उसके बाद जब तक वो काम चल रहा था तो लोकसभा चुनाव आ गए, और फिर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या ये संभव था कि जो यहाँ पर बरसात के महीने होते हैं, क्या आप खुद बताइए क्या उनमें चुनाव संभव था? तो ये परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से चुनाव डिले होते चले गए, लेट होते चले गए निकाय चुनाव। बाकी डरने की बात जहां तक है, चुनाव तो होना तय है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और विपक्षियों को चुनाव के रिजल्ट अपने आप में उनकी इस बात का जवाब दे देंगे कि कौन डर रहा था या कौन नहीं डर रहा। सर वहीं बात करें, आपने बात की है नेचुरल जो फेनोमेना होते हैं, जैसे कि मॉनसून का सीजन था जिसकी वजह से चुनाव आगे बढ़े, तो क्या लगता है अब चुनाव कब तक हो पाएंगे? नहीं, अब तो चुनाव देखिए बहुत जल्द संभव है, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। मुझे लगता है कि जो कोर्ट के मैटर थे या वोटर लिस्ट का मैटर था, वो लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो अब चुनाव जल्द होने की संभावना है और चुनाव जल्द ही होंगे।